स्ट्रीमिंग ऑन कर रहा हूँ इसकी। जी सर। गाड़ी में परेशान। आई कैन सी अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइनिंग इन, सो शुड वी वेट फॉर 5 मिनट्स एंड आई विल कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स। I think Jitendra, let's start and let other people join in. Jitendra, करिए सर, प्लीज स्टार्ट इट सर, प्लीज स्टार्ट, या आई थिंक प्लीज स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सर। करेक्ट करेक्ट। ओम साई राम। और बहुत दिनों के बाद ऐसा लगता है, एक अरसा बीत गया जब वेबिनार हुआ लास्ट, बट सेकेंड थर्ड को जब लास्ट वेबिनार हुआ था, आई वॉन्टेड टू टेक अ लिटिल ब्रेक बिकॉज वो ही सवाल आ रहे थे एंड आई थिंक पीपल वर जो ज्ञान के लिए जुड़ रहे थे वो शायद ज्यादा नहीं थे एंड लोगों के सवाल वही रिपीटेड सवाल आ रहे थे, तो आई थॉट इट वॉज एन ओवरडोज। बट ये एक 1.5 महीने के अंदर, 1.5 हफ्ते के अंदर इतने कॉल्स आए हैं एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग ऑन द वेबिनार, बट यस दे आर वॉचिंग ऑन द यूट्यूब एंड वॉचिंग इट लेटर। एंड मेरी खाली एक ही गुजारिश रहेगी कि अगर आपके कोई सवाल है तो वो सवाल आप तो हमसे पूछ ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं, बट अगर वो सवाल रेपिटेटिव है तो उसको मत करिए बिकॉज पीपल ऑल्सो हियरिंग द सेम क्वेश्चंस। बहुत आदमी जूझ रहा होता है, जब मन परेशान होता है तो उसको वही चीज आती है और उसको मौका मिलता है कि हाँ मैं पूछ रहा हूँ। बट थोड़ा सा अगर पेशेंस रखें और ये वेबिनार को अगर एक प्रोसेस करें जहां पर आप इसको आगे लोगों को एक्सपैंड कर पाए टू न्यू पीपल एक्सपैंडिंग वेयर इट इज accumulating and assimilating of gyan which is coming in of various things which are coming in every episode. सबसे पहले तो मैं अपने साईं भक्त परिवार को और साईं बाबा से जितने भी लोग अटैच्ड हैं वर्ल्ड वाइड, एक सर्वे निकला है, सर्वे में वर्ल्ड वाइड आज बाबा की महानता has reached 1.5 बिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब। एक टेंटेटिव सर्वे है जो अमेरिका की एजेंसी ने किया है एंड दे हैव कम अप विद फिगर्स ऑफ 1.5 बिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब। एंड टू से मेजर वर्क हैज बीन डन इन द लास्ट 20 इयर्स, जब बाबा की महानता आस्ते आस्ते वर्ड ऑफ माउथ हैज स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट्स वीक्स a lot of prachar which is happening through word of mouth. You are only instrumental in propagating something. जब वो प्रोपोगेट आप करते हैं और उसके अंदर सच नहीं होता है तो वो प्रोपोगेशन भी ज्यादा नहीं चलता है। और जब लोगों को बाबा ने टच किया ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ से बहुत चीजें बढ़ी। और वही जो लोग आज इंडिया में 15 साल पहले थे who had moved out of India in the last 10 to 15 years or even 8 years, आज जब उनने बाबा की महिमा देखी तो आज वो जाके प्रचार कर रहे हैं आउटसाइड अक्रॉस द ग्लोब। एंड बहुत ही अचंभे की बात मुझे लगी थोड़े दिन पहले, जब कोई 15 दिन पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आइसलैंड। आई ऑनेस्टली थॉट दैट आइसलैंड की कंट्री डिफंक्ट हो चुकी है, आइसलैंड में अब कुछ नहीं है एंड वहां पर लोग कैसे काम कर रहे, बट वहां से एक कॉल आया और
her name was Shruti, and she talked very पहले तो हम हैरान थे कि वो आइसलैंड से कॉल आया और आइसलैंड पे कैसे थी वो. सो आई आस्क्ड हर कि यहाँ का वेदर, कहते कि यहाँ का तो वेदर इतना अच्छा होता है कि कभी कभी अभी जुलाई के टाइम पे शी सेड के 24 घंटे धूप रहती है, देर इज नॉट इवन वन मिनट ऑफ डार्कनेस. तो आई सेड आप सोते कैसे, कहते हम लोग यूज टू हो गए. And she is near the Antarctic circle. So she said कि यहाँ पर रहती है और उसके बाद जब darkness होती है तो दिन पूरा दिन darkness होती है, तब इधर धूप ही नहीं होती है. And how do they function? She says ये हम 4 महीने में ही function करते हैं, उसके बाद हम लोग function करना रोक देते हैं because that is the time हम लोग बिल्कुल darkness में चले जाते हैं. So I said, आपकी energies रूक को कैसी होती हैं? जब आप सन को ही नहीं देखोगे तो energies कैसे होती हैं? She says, ये भी एक चमत्कार है कि यहाँ पर everything is only snow and blue waters and greenery. In the summers it is greenery, otherwise in the winters it's covered with snow. And ये एक अजीब ही जगह है जहां पर there is so much of freshness. कि हम लोग उसके अंदर विद द लिटिल लाइट दैट वी हैव इन आवर हाउसेस हम उसमें रह लेते. उससे बात करते करते बहुत चीजें आई. तो आई सेड कि आपको यहाँ पर यूट्यूब या इंटरनेट मिलता है? कहता हाँ, वी गेट दैट एंड बट वी वर्क मोर ऑन वाईफाई ओवर हियर. एंड आई आस्क्ड हर कि आप आइसलैंड पहुंचे कैसे. शी सेज यहां पर खाली 6 इंडियंस हैं जो इंडिया छोड़ के चले गए थे कोई 20 इयर्स बैक, देन दे मूव टू कनाडा एंड देन टू आइसलैंड. एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ हर स्टेइंग इन आइसलैंड, आई आस्क्ड हर. शी सेज हम लोग कोई काम नहीं करते, हमारा जो ओनली काम है इज फिशिंग. And but we come here just to relax because I want to lead my life only being with the nature, which is God, and which is so calming and soothing that 2 Indians who are there in Iceland have left everything and they want to be there close to nature. And we all over here are struggling, जूझ रहे हैं of our own creations. बात इसी के ऊपर मैं आज करने वाला हूँ. And आज जो मैं बात करने वाला हूँ, because I'm on the way, so I'm traveling in the car, and I thought that it is best that I talk in the car and have this conference. Can I start? बहुत जो इम्पोर्टेंट है कि जब 10,000 साल पहले जब लोग हम लोग अपने हम जो पढ़ते हैं उसी को हम रियलिटी मान लेते हैं. एंड आई एक्सीडेंटली 10 डेज बैक हैपन टू मीट समवन हु put in a very, very pertinent points, he said, and jo history se collaborate nahi ho rahe the. Aur ek point unne bahut kiya ke wo Ayodhya mein unka janam hua. Aur wo kehte ke Ayodhya mein jab mera janam hua, to main jab chota tha, 61-62 ki baat hai, to wahan par wo jo river hai, वो रिवर में डॉल्फिन्स निकलती थी और बिल्कुल नीला पानी होता था. एंड हम बीच पे जाके बैठते थे और वो डॉल्फिन्स को देखते रहते थे. खैर आज वो दृश्य अयोध्या में बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा क्योंकि पानी ब्लू तो छोड़िए बिल्कुल अलग रंग का हो गया है. अब पैंडेमिक में थोड़ा बहुत ठीक हुआ है
एंड अगर आप बचपन पे जाएं, तुमने थोड़ी बातें जो ऐसी बोली कि पांच, हमने कहा कि हम बोलते हैं कि राम जब आए तो वो ब्रीड जो आई थी वो आर्यन ब्रीड थी, वहां पर वो कहते हैं कि ये डिस्कनेक्ट है। जो हिस्ट्री बोलती है वो कहती है कि हरप्पा इज साउथ ऑफ इंडिया, मोहनजोदारो वाज द पार्ट ऑफ द वैली व्हिच इज चाइना इंडिया द नॉर्दर्न पार्ट लिटिल पार्ट ऑफ भूटान तिब्बत। वहां पर जब वैली में लोग आए वेस्ट से वो आके रह गए और उन लोगों ने इंडिया को इन्वेड नहीं किया कभी। यहां पर वो कहते हैं कि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था और उनके पॉइंट बहुत ही वैलिड था। उसने एक पॉइंट हमारे मन में आज तक जो घूम रहा है विच आई एम फाइंडिंग आंसर्स, बट दैट पॉइंट वाज कि जब भी इंडिया में अफगानीज आए, मुस्लिम्स आए या इंग्लिश आए, अंग्रेज आए, ये लोग हमारे कल्चर में मिल नहीं पाए, वो लोग असिमुलेट नहीं हो पाए हमारे कल्चर के साथ। बट जो आर्यन आए उनने हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और अब तो प्रूव हो गया है कि हरप्पा में जो उनकी बॉडीज हैं तो उनकी वाइफ इज अ पर्शियन। That means राम जो 10,000 साल पहले थे वो आर्यन नहीं थे, बट हमारे को बचपन में सिखाया गया है कि वो आर्यन ब्रीड थी जो यहां पर आई। ये तीनों को छोड़ के इंडिया को जिनने भी इन्वेड किया वो हमारे कल्चर पे कभी नहीं मिल पाए। मुस्लिम्स आए उन्हें हिंदूज को कन्वर्ट किया, इंग्लिश आए वो अपना कल्चर लेके चले गए, अपनी छाप छोड़ के चले गए मगर हमारे साथ मिले नहीं, अफगानीज आए वो भी हमारे को मिलके नहीं गए, उन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट नहीं किया, बट जिसने अडॉप्ट किया वो खाली आर्यंस थे। अब एक पॉइंट पर्टिनेंट इधर खड़ा होता है कि अगर वो आर्यंस थे तो आर्यंस तो खाली 2,500 साल पहले आए जो हिस्ट्री कहती है, सो हाउ कैन राम बी एन आर्यन। सो व्हाट डज दिस कम टू, दिस कम्स टू दैट जो हम फैक्ट्स हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में लिखाया जाता है, दे कैन बी सो कनकॉटेड, और जिनके ऊपर हम अपनी जिंदगी की जिंदगी अपने माइंड को लेके हम उसको बिलीव सिस्टम हमारा ऐसा हो जाए कि दैट इज द ट्रुथ, बट दैट ट्रुथ समटाइम्स कैन हैव नो बेस। देयर इज अनदर पॉइंट नाउ, व्हेन दैट ट्रुथ कैन हैव नो बेस, सो व्हेन यू आर बॉर्न व्हाट डू यू बिलीव, आप किसको मानेंगे? आप अपने खाली इंस्टिंक्ट्स को मान सकते हैं और आज के जमाने में वेयर देयर इज नॉलेज अवेलेबल, आप उस इंस्टिंक्ट के साथ अपने मेंटली रैशनलाइज करिए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो आई आर्ग्यूड विथ हिम एंड आई सेड, आप क्या सोचते हैं कि वो हिस्टोरियन ही है, आप क्या सोचते हैं कि रामायण इज ट्रू और नॉट? He says, it is true. आपका बिलीफ है? कहता हाँ मेरा बिलीफ है। So, जब आपका बिलीफ है तो राम का वध हुआ कि रावण का वध हुआ कि नहीं? तो He says, रावण का वध हुआ। So that means, जब रावण का वध हुआ 10,000 years back, the average height of people was not less than 16 feet. If the average height of people was not less than 16 feet, it can be even higher than that.
5,000 years, the average height was about 9 to 11 feet. तो उस वक्त 11,000 साल पहले नेचर कितनी प्योर होगी कि आप 16 फीट के और जो आप दिखाते हैं आपको डायनासोर्स एंड एनिमल्स ये दे मस्ट बी अबाउट 30 फीट एंड 40 फीट. सो व्हेन यू मेंटली गो यू हैव टू इन टुडेज वर्ल्ड एनालाइज एंड थिंक के जो हम पढ़ रहे हैं हम उसको आंख बंद करके ना पढ़ें, हम उसको सोचें. अंदर आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है कि ये सच है तो बिलीव इन इट. अगर वो बोलती है सच नहीं है डू नॉट बिलीव इन इट, बिकॉज जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है एक दिन आपको ले डूबेगा. बट एक बिलीफ सिस्टम जो गलत नहीं हुआ कि ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ आप फेल नहीं होंगे, आपको सक्सेस देर से जरूर मिलेगी बट फेल नहीं होंगे. बट ये सब चीजें ग्रंथों में नहीं लिखी. ग्रंथों में हमारे को स्टोरीज बताई गई हैं जो हाउ मच ट्रुथ देर इज टू इट वी डोंट नो. बट एक्चुअल ट्रुथ उनके अंदर जो तत्व है वो कितना सत्य है वो हमारी इंस्टिंक्ट्स को हमें बिलीव करना है. और जो सच्चे ग्रंथ होते हैं, दिस इज माय एक्सपीरियंस, सच्चे जो ग्रंथ होते हैं लाइक द रामायण एंड द महाभारत व्हिच हैव बीन ब्लेस्ड टू पीपल दैट मास्टर जब किसी से लिखवाता है या मास्टर किसी से काम कराता है वो आपको उस ट्रांस में दे जाता है कि उस टाइम क्या हुआ होगा. एंड व्हाई आई कैन स्टे विद कन्विक्शन बिकॉज एवरी टाइम आई स्पीक ऑन द रेडियो टेलीविजन और ऑन वेरियस चैनल्स व्हेन आई सी व्हाट आई हैव सेड और व्हाट हैज बीन रिटन इन द पर्टिकुलर सीरियल उस टाइम और नॉर्मल टाइम में बहुत फर्क होता है. बिकॉज उस टाइम जो लिखा गया है वो ऊपर वाले की देन है. व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू बिकॉज बहुत लोग आते हैं बोलते हैं औषम जी आपने ये बोला आपने ये बोला आपने इस टाइम पे ये बोला. I said yes. आपको वो सत्य लगता है तो go for it. आपको सत्य नहीं लगता है don't go for it. Because कोई भी काम अगर half heartedly किया जाए तो उसका result नहीं आता है. आज इसी platform पे there are about in the foundation आज कोई 2 मिलियन में से कोई 700-800 केसेस ऐसे हैं जिनके बच्चे 10-10, 12-12, 14-14 साल के बाद पैदा हुए हैं. डॉक्टर्स फेल हो गए बट वो बच्चे पैदा कैसे हुए? पैदा हुए खाली मंदिर जाके पोंछा लगाने के बाद और सेवा करने के बाद वो बच्चे पैदा हो गए. बट उसको अगर साइंस में एनालाइज करिए तो जब औरत 21 दिन जाके उसने पोंछा लगाया, शिद्दत से उसने पोंछा लगाया मंदिर के अंदर और बाबा से इच्छा से मांगा उसने, तो उसकी फिलोपियन ट्यूब खुल गई. शी हैड अ ब्लॉकेज जो खुल गई, वो खुली और उसको बच्चा हुआ, उसको अबॉर्शन नहीं हुआ. साइंस है बट ये तो रियलिटी है. इन द फाउंडेशन आई सी 700 लोगों के बच्चे हुए हैं, 51 की एज पे भी बच्चा हुआ है और 56 की एज पे भी बच्चा हुआ है. आई हैव सीन दैट बिकॉज आई हैव ओनली टॉक्ड टू देम. सो वो झूठ नहीं है.
लिवर में कैंसर हो, बॉइल्ड पानी के साथ नीम को मिला के और वो पानी पिया जाए, आई हैव सीन कैंसर इवेपोरेट। ये किसने बोला था? साई ने बोला था, बट डॉक्टर सब्सक्राइब नहीं करते, बट उनका कैंसर चला गया। अब जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आप एनालाइज करिए कि ये हो क्यों रहे हैं। जिसको हम मिरेकल बोलते हैं, हम उतना ज्ञान रखते हैं जो हमारे को दिया गया है, बट जो हम ज्ञान नहीं रखते और उससे जब चीजें ठीक होनी शुरू होती हैं, उसको मिरेकल करते हैं। तो वो मिरेकल उस डेट के बाद मिरेकल नहीं रहता, बिकॉज उस डेट तक साइंटिस्ट वहां पर नहीं पहुंच पाया। जब वो हो गया एक बार मिरेकल, देन साइंस स्टार्ट्स अनवेलिंग कि ये हुआ कैसे। बहुत लोग आज कोविड से ठीक हो रहे हैं, तो वर्ल्ड इज टेस्टिंग, पैंडमिक में टेस्ट कर रही है कि ये वैक्सीन निकाल रही है, ये मेडिसिन निकाल रही है, बट जो लोग ठीक हो गए वो लोग सोच रहे हैं कि मिरेकल से हम लोग ठीक हो गए, बिकॉज आज तक साइंस वहां नहीं पहुंची और इसका क्योर नहीं निकाला। बट जिस दिन क्योर निकाल लिया, दैट मींस यू हैव रीच्ड अनदर स्टेप। So there are no miracles in life. It is lack of our knowledge which is called a miracle. जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सब लोग बोलते थे कि ये miracle है, how can he pick it on one finger? कृष्ण उस टाइम गुरुकुल नहीं गए थे, बट उनका सिक्स सेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि ही न्यू द पॉइंट जहां पर ही कुड पुश द ग्रेविटी अप। तो आज आप कुतुब मीनार के नीचे भी खड़े हो और आपने अगर ग्रेविटी को ऊपर कर दिया तो कुतुब मीनार इज लाइक पेपर। सो ही न्यू द एग्जैक्ट पॉइंट जहां से उनने गोवर्धन उठाना था, वो वहां गए, वहां से गोवर्धन उठाया उन्हें। 15 साल के बाद there will be situations where you are sitting in India and you will be sitting in America and अपनी आप कॉन्फ्रेंस कॉल करके वापस आ जाएंगे, आप उसको मिलके आ जाएंगे, because that is Maya, that is the advancement of science which Krishna had shown at that time। और 10,000 साल पहले ये साइंस थी जो आज हमारे माइंड से निकल गई है। So this universe has so many miracles which are not miracles, but it is lack of our knowledge that we do not try। जब तक वो मिरेकल होता नहीं है, हम उसको अनरेवल नहीं करते, तब तक हम सोचते हैं वो मिरेकल। बट वक्त के साथ ऐसे ऐसे मास्टर्स आते हैं जो हमें ज्ञान दे के जाते हैं, जो हर नॉलेज ह्यूमन रेस को दे के जाते हैं, और वो पैसा नहीं चार्ज करते। उनको उन ऋषि मुनियों की ही बदौलत आज हम लोग जिंदा हैं। एंड दोज आर द पीपल who need to be blessed from our mind, it is because of them that we are all surviving। It is because of them that they are into immense meditation and they want the welfare of the whole world that we are surviving। बट जिस दिन ये डेप्थ ऑफ ईविल विल बिकम बिगर देन गुडनेस, द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, एंड दैट इज द टाइम व्हेन इट इज प्रिडिक्टेड दैट कल्की विल कम एंड वंस एंड फॉर ऑल
finish the Kali Yuga. But if we stay in knowledge that, yes, there is only one person in the whole universe who can unravel all the miracles which happen, and there is only one person, and that is God. He sends his messengers with that much of knowledge, wo jaake aapko theek kar de. But real knowledge is kept by him, who can control all the indriyas of the Brahman. So do not get swayed in by a lot of literature which is written. And Sai ka avtaran hi is dharti pe hua kyunki wo dakoslon ko dur karne ke liye. And 12 saal se I've been trying to do that on television, telling people. Sabse pehle bahut phone calls aate the 2008 mein, 2009 mein, guru ji kal hum mandir nahi ja sakte because I have periods. Aap to jante, they were even afraid to talk of the word periods. I literally had to tell them, kyun aap, bhagwan ne aapko nahi bheja, भगवान ने मना किया कि मंदिर मत जाओ, आप घर में हाथ नहीं धोती हैं, आपको कुछ डिजीज हो जाए तो गांव वाले बोलते थे अरे इनके ऊपर चंदी चढ़ गई, ब्लैक मैजिक हैज टेकन ओवर. ऑल दीज थिंग्स we don't have to believe. You just have to believe that jis din ek kamra hai jiske andar bahut sa oxygen hai aur ek kamra hai jahan par carbon dioxide hai. Jab aap kamre mein jate hain jahan par bahut oxygen hota hai to your mind is fresh, and when your mind is fresh you are talking of what? You're talking positively. And when your mind is not fresh, negative energies take care. तभी कहते हैं जब आप हिमालय की तरफ जितना ऊपर जाते हैं उतनी आपकी सोच अच्छी होती है, नेगेटिव सोच बिगड़ जाती, खत्म हो जाती है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर ज्ञान. खैर, आई एम गोइंग टू एंड दिस कन्वर्सेशन टुडे ऑन अ नोट दैट जो आप पढ़ते हैं जब तक उसको एनालाइज नहीं करते हैं और उसको आपको अंदर की इंस्टिंक्ट नहीं बोलती ये सत्य है एंड गो फॉर इट, तब तक लोगों के कहने पे मत करिए कुछ काम. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. And now we will take another chapter, which is asking questions. But before I ask questions, I want, if any of you want to ask me questions on what I have talked, you can raise your hands. Thank you, Ashim ji. Abhi jo Ashim ji ne jitne topic cover kiya hai, uspe agar kisi ka question hai for knowledge. तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस पे क्लिक करके या वन बाय वन अनम्यूट करके. जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछने हैं रेज अ हैंड पे क्लिक कर लीजिए या वन बाय वन अनम्यूट करिए. आप नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं.
जी सर, वन बाय वन ले रहे हैं क्वेश्चंस, वन मिनट सर। नेहा शर्मा जी अनम्यूट आप कर लीजिए प्लीज। वॉइस चेक करिए, मैं वॉइस नहीं आ रहा, ऑडियो चेक करिए अपना, ऑडियो नहीं आ रहा नेहा जी, ऑडियो। आप एक बार ऑडियो इंक्रीज करिए वॉल्यूम, या हाँ आ रहा है अब, बोलिए। हेलो, हाँ जी, ओम साई राम ओशिम जी। हाँ जी बताइए। ओशिम जी, पहले तो मैं ये जो आपने जो भी बताया, जो भी नॉलेज वाली बातें बताई, उसमें जो पोछा लगाने वाली बात है ना, दिस हैपेंड टू मी एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ बाबा, सी माय सन, आई वांट यू टू गिव ब्लेसिंग्स। नेहा जी, फर्क पता क्या है कि व्हाई दिस, नो डोंट यू करेगो, ये नो पर सा फर्क क्या है कि व्हाई Why this miracle happened with you? I do not term as miracle. Why did this happen? Because one, the answers were never mine. अगर कोई एक educated आदमी होगा बोलेगा कि पोछा लगाने से बच्चा पैदा हो जाएगा जो 10 साल तक नहीं हुआ, कोई मानेगा नहीं. But when the brain of a human finishes, that is where the brain of a master starts. And total samarpit, jab aap hue the ki aapne kaha main ye kaam karungi aur hoga, aastha and faith made this happen for you. But usme science to involved hai na, because human body to wahi hai. Yes. हाँ जी, but how do you feel now with the child? आपको बच्चा कैसा, बच्चे के साथ कैसा feeling होता है? Really very great feeling, very very awesome feeling. Thank you. Stay blessed always. Stay blessed. Ashim ji, I want to ask one question. About my husband, he is a property dealer and उनके साथ क्या होता है कि जब उनका काम बनने वाला होता है ना, मतलब end moment पे जो है problem आ जाती है, उनका ना हो जाती है, तो उसके लिए solution. आप कुछ मत करिए, उनको बोलिए कि लगातार 30 दिन काले कुत्ते को दूध पिला दें. Okay. That's all. काले कुत्ते को दूध पिला दे और उनके जो रुकी हुई डील्स हैं वो आस्ते आस्ते फ्रक्टिफाई हो जाएंगी. अब बीच में ही देखेंगे कि वो चीजें चलनी शुरू हो गई. ठीक है, चलिए. साई राम. ठीक है, ओम साई राम, ओम साई राम. थैंक यू. ये आपको अनम्यूट कर दिया है 80FF1F60. आपका नाम नहीं आ रहा, 80FF1F60, प्लीज आप पूछ लीजिए क्वेश्चन, अनम्यूट कर दिया आपको. आयुषी जी आप अनम्यूट कर लीजिए. हेलो हेलो, प्रणाली बोल रही हूँ गुरुजी. प्रणाली, आपको देख नहीं पा रहे हम. प्रणाली, आप दिख नहीं रहे. हाँ बताइए. हाँ. गुरु जी कैसे हैं आप? कैमन आचो, भालो? हाँ, आमी खूब एक तो भालो ना, हमारा हाथे खूब बैठा, हाथों में बहुत दर्द है, पागुन सोल दर्द से. आपकी बेटी कैसी है? बेटी हमारे पास ही है. ओ वेरी गुड. I was. तुम की कोड़े पापे, तुम जरूर मेरे फोन का धोरे आसो.
गुरु जी हाँ जी बताइए। एक बात पूछनी है, वो जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ बाबा की, बाबा मेरे सामने बैठे हैं, हम ऐसे देखते हैं, बाबा मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोलना चाहते हैं। बाबा की एक मूर्ति का दर्शन होते हैं हमें, और सिर्फ बाबा को ही देखती हूँ मैं, और किसी को भी नहीं। जब भी मैं आँख बंद करती हूँ ऐसे ही देखती हूँ, इसका मतलब आप हमें समझा दीजिए, बाबा क्या बोलना चाहते हैं हमसे। सबसे पहले हम इस पेडेस्टल पे सब लोगों को बोलना चाहेंगे कि आपका जब फोन आया, तो दूसरी या तीसरी बार जब फोन आया था आपका, तो हमने आपको बोला कि बंगाली में आप बाबा के ऊपर लिखिए। हाँ हाँ वो तो लिखना हो गया है, आपको भेजना ही बाकी है। अभी हम सबको बोलना चाहते थे कि यहाँ पर ये लेडी है जिनमें कोई राइटर नहीं है, ऑथर नहीं है, पर जिस शिद्दत से इनने हमसे बात करी थी, और ये भी हम हिंदी में इतना अच्छा बात नहीं कर सकते, तो बाबा की वाणी आई हमारे को और हमने इनको बोला कि आप ना लिखोगे और ये किताब आपकी एक दिन संस्थान से काफी जाएगी। उस दिन से इनने मेहनत करके बाबा के ऊपर किताब लिखा है अभी, और हमारे को भेज रही है। मगर उस दिन जब लास्ट वेबिनार था, उस दिन की बात है, इनने हमारे को मैसेज भी दिया और फोन भी किया, और ये बात मैं सबको शेयर करने वाला हूँ कि जब व्हेन आई वाज टेकिंग द वेबिनार शी सेज कि आपकी मुझे शक्ल नजर नहीं आई, मुझे बाबा के साथ ऊपर हाथ खड़ा हुआ नजर आया, और साक्षात आपके चेहरे पे मुझे खाली बाबा नजर आए, तो आई केप्ट क्वाइट बिकॉज ऐसे बहुत इंसिडेंट्स लोगों के साथ हुए हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन फोटोग्राफ्स। पाकिस्तान से एक लेडी है, उनने फोटोग्राफ ली थी अबू धाबी के अंदर, जो फोटोग्राफ जब छप के आई थी, तो जहां पर वो हमारे साथ खड़ी थी और पीछे हमारे साथ उधर मून का फोटोग्राफ आया और साक्षात बाबा की फोटोग्राफ आई। सो आई नो व्हाट शी वाज टॉकिंग, आई लाइक दैट, देयर बीन इनफ इंस्टेंसेस, बट व्हेन शी सेड दिस ऑन द वेबिनार, एंड हियर इज अ पर्सन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन हु इज नॉट एन ऑथर, हु इज नॉट अ राइटर, बट शी हैज रिटन एंड फिनिश्ड द बुक ऑन साई इन व्हाटएवर शेप, संस्थान उसको ठीक करेगी और विल गेट इट डाउन टू द पब्लिक, बट शी टुक द एफर्ट ऑफ राइटिंग ऑन साइन इन बंगाली, एंड आई थिंक वी शुड ऑल रेज अ हैंड फॉर दिस वुमन हु हैज टेकन दिस फ्रंट टू फिनिश द बुक ऑन बाबा। आई थिंक वी लाइक टू ऑल कॉन्ग्रेचुलेट यू प्रणाली जी फॉर थैंक यू the effort that you have taken, baba ki kripa hai sab, ha likhwaya baba nahi hai, but ha karam to hame karna hai, ha karam karna hai, mera saans bhi chalta hai baba ki kripa se, hame to karam karna hai na, karam karam jab tak nahi hoga tab tak kuch bhi nahi hoga। guru ji ek baat kehna chahti hu, aaj bhi wahi incident hua hai, आज भी वही इंसिडेंट हुआ है। क्या इंसिडेंट हुआ है? आपके पीछे फिर बाबा, आपको साइड से, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपकी एक साइड से वो नेचर दिख रही थी, लेकिन आपके पीछे फिर भी बाबा ही है। आज भी मैंने बाबा का दर्शन किया है, वो ज्योति हमें दिखाई दिया है। आज भी सेम जितने दिन मैं कॉन्फ्रेंस में आती हूँ और बस कुछ ना कुछ हो जाती है, आज भी वही सेम इंसिडेंट हुआ है, आज भी सेम ही हुआ है, और अभी भी मैं बाबा को ही देख रही हूँ आपके पीछे, अभी भी देख रही हूँ। बाबा की जो ज्योति का प्रकाश है आपकी तरफ आ रही है, वही भी देख रही हूँ अभी भी। अगर कोई देख नहीं रहे, कोई देखा है किसी तरह, मैं नहीं जानती हूँ कोई देख रहे हैं, पर मैं देख रही हूँ।
गुरुजी आप मुझे सुन रहे हैं ना? एक मिनट जी, ऑशिम जी अनम्यूट कर लीजिए, एक सेकंड। हाँ जी सर। गुरु जी बाबा आपके पीछे खड़े हैं, अभी भी बाबा है आपके पीछे, मैं देख रही हूँ अभी भी। आप सवाल पूछ रही थी, बताइए। क्या गुरु जी बोलिए? सवाल कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, वो जो बाबा की देखती हूँ मैं, ध्यान जब लगाती हूँ तब बाबा कोई एक मूर्ति नजर हमें आते हैं और कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ बाबा ही बैठे हुए होते हैं। मुझे यही लग रहा है बाबा मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोलना चाहते हैं। ऐसे कई दिनों से हो रहे हैं, क्या मतलब है मैं आप समझा दीजिए हमें, बाबा क्या बोलना चाहते हैं हमें। बड़ा सीधा बोलना चाह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के आसपास, दशहरा के आसपास मेरा मूर्ति लेके घर में आ जाओ। हाँ। और अगर कोई मूर्ति, अगर छोटा मूर्ति है तो उसका बड़ा मूर्ति लेके घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। एक बात समझिए, हाँ, बाबा का काम कोई नहीं कर सकता जब तक उसको आदेश ऊपर से नहीं हो। और आपको 2 महीने में आपने अपना किताब लिख के दे दिया, बहुत बड़ा बात है। अब आप ट्राई भी करोगे दूसरा किताब निकालने में, जब तक उसका आदेश नहीं होगा तो 5 साल तक किताब नहीं निकलेगा। अभी मेरा कुछ भी लिखना नहीं आती है मुझे, बंद हो गए हैं बाबा की किताब के बाद, मैं बैठी हूँ ऐसे बाबा की आदेश के लिए। ये आप देखते रहिए, ऐसे ही होगा। ठीक है गुरुजी। साईं राम, साईं राम। गुरुजी और एक बात, कौन सी दिन अच्छा होंगे? दशहरा का दिन, मोहल्ला जो हम कहते हैं बांग्ला में, दशहरा के दिन दुर्गा पूजा और दशहरा के दिन बिल्कुल सही होगा। आप नई प्रतिमा लेके बाबा को घर पे लाइए। ठीक है, ठीक है गुरु जी, जय श्री राम। आयुषी जी अनम्यूट कर लीजिए आप। ओम साई राम सर। साई राम बेटा। हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन पूछने से पहले, हमारे घर में बप्पा आए हैं तो पहले मैं सब लोग दिखाऊंगी घर में बप्पा आए तो, कैन आई? यस ऑफ कोर्स यू कैन। बहुत अच्छा, आपने उनको पूरा सजा के तैयार करके रखा है, बहुत अच्छा। बाबा को भी रखा है उनके बाजू में। बहुत अच्छा। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि बप्पा हम लोग के घर कब आएंगे, मतलब हम अभी फिलहाल वी आर ऑन रेंट, हम लोग के खुद घर में कब आए? पूछ रहे खुद का घर कब बनेगा। Yes, अभी भी 2.5 साल है और बेटा 2.5 साल है, 2.5 साल के बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बॉम्बे में? बॉम्बे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर कमल किशोर जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ ओम साई राम। साई राम। हाँ हाँ सर, हाँ गुरु जी, आपसे पहले बात हुई थी और आपने बताया था जो उपाय उसके करने से मेरा काफी हीलिंग हुआ
और काफी हेल्थ में सुधार हुआ और गौ सेवा से भी मैं जुड़ा और किताब और उदी भी आई, उससे काफी मेरा बहुत मिरेकल हुआ जो कई सालों से नहीं हो रहा था। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और एक प्रश्न था मेरा गुरुजी कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई भूल हो रही है, त्रुटि हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? रोज मुझे मैंने ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है और कहीं बाबा रुष्ट तो नहीं है कुछ, और तो कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और कैसे होगा, कहीं कोई मुझसे गलती तो नहीं हो रही, कोई गाइडलाइन दीजिए। कमल एक बात बताएं। हाँ कि तुमने गाय सेवा शुरू करी बट कहीं गाय सेवा रोक दी है तुमने? हाँ हाँ या ना? हाँ गुरुजी वो हाँ, आप यही बात समझ लीजिए, हमें तो नहीं अच्छा पता बट हमें ऐसा हाँ, लगा। कभी भी उस टाइम मत सोचो कि उस टाइम हमारे पास पैसा है कि नहीं। हाँ हाँ आप जब परमात को पैसा देते हो हाँ और हाँ परमात्मा हाँ से काम करते हो, कहाँ से पैसा तुम्हारे को देता है ऊपर हाँ वाला? हाँ हाँ हम हाँ सोचते हैं अरे हमारे पास पड़ा है 2,000 रुपए, 2,000 हम बचा के रखे, हमारे को चाहिए। वो 2,000 भी गायब हो जाता है और वो भी काम भी नहीं कर हाँ सकते। हाँ हाँ तो ये काम शुरू कर दो अपना, ठीक आपकी ठीक चक्की गुरुजी, ठीक ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक इसके लिए गुरुजी, ज्यादा सोचना मत, ये ठीक बात ठीक सच है। गुरुजी, सच है कि गलत है? सच है, पूरी तरह सच है गुरुजी, बस ठीक है गुरुजी, बिल्कुल, ठीक है, चल साई राम। ओके, थैंक यू, ओम साई राम। जी सर एक सेकंड, नीलम राय जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ओम साई राम औसम जी। साई राम बेटा, आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही हमें। हाँ जी, आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही। ओ शक्ल नहीं आ रही है? अच्छा नहीं आ रही, आ रही, एक मिनट ऑन आ रही, कर आ रही दिया उन्होंने। जी 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 अच्छा मेरा रेगुलर एक का प्रश्न मतलब था है कि वी कैन स्पीक कर जी। दे। वेबिनार का मतलब है कि वी कैन सी इच अदर, वी कैन ओके यस यस अंडरस्टूड। सी हाउ, यस या। तो एक प्रश्न था मेरा कि ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर का अभी तक मैरिज नहीं हो रहा है, क्या है? मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ, आवर मैरिज इज नॉट हैपेंड येट। No, whose marriage is not happening? Your brother's marriage is not happening? Both of us. Both of you, brother, sister, both. Yeah, brother, sister. So brother, younger brother, and just two of us are in the house, and marriage has not happened. What is his age? Which is 47. 47. And your age? Mine is 54. Your brother will get married. Well, good to hear that. Well, your brother will get married. Yes. And there will be a proposal. There will be a proposal. Yes. Of a 43-year-old lady. I see. From the from our state only, or from? Yeah, who will have two kids? Okay. Okay. And she will be a good lady. Yeah. But that lady would have been, उसके हस्बैंड ने उसको मारा होगा. उसको मारा होगा. हाँ, but she is a very good lady. अच्छा अच्छा. And वो चुप करके निकल गई होगी. बच्चों की बच्चों को पढ़ाने के लिए. जी. बनने सुनो ना, सुनो ना, उनका एक मिनट उनका कह रहे हैं ना, अरे प्रपोजल आएगा, अगर प्रपोजल आएगा ऐसा ऐसा प्रपोजल आएगा जी, तो उसको उनके ब्रदर का अपने ब्रदर को बोलना एक्सेप्ट कर ले। अच्छा अच्छा अबाउट माइन देन, व्हाट अबाउट मी?
एक मिनट जी, आई थिंक व्हाट अबाउट मी, इज इट गोइंग टू हैपन और नॉट? आई कांट सी एनीथिंग, सो यू कैन गिव मी अ कॉल टुमारो. हेलो, इन द हेलो, गिव मी अ कॉल टुमारो इवनिंग, देन आई विल लेट यू नो. ओके. I can't see. It's blank, absolutely blank. But I can see you. I can see you. Thank you. Thank you. नंबर्स चैट बॉक्स में दे दिए हैं आपको आशियम सर के डायरेक्ट नंबर्स. किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज द हैंड पर क्लिक कर लीजिए. सर कैन यू हियर मी? यस सर, सॉरी आई एम अगेन आस्किंग क्वेश्चन. सो सर एक्चुअली द थिंग इज दैट हम लोग का जो बिल्डिंग है ना, उसका लाइक रीडेवलपमेंट वाज गोइंग टू हैपन हियर, बट ड्यू पैंडेमिक नहीं हुआ. तो क्या हम लोग का ये इस बिल्डिंग का जब रीडेवलप होगा तभी इसी में ये बिल्डिंग का कि सम अदर बिल्डिंग जब होगा तो वो डेवलपर आपको इसी बिल्डिंग में आगे प्रोग्रेस करें या क्या करना देगा बिल्डिंग एक और फ्लैट देगा तो कहीं तो पढ़ना चाहिए. तो नहीं, बाबा बोलते वो नहीं बोलते. डॉक्टर कमल जी बोलेंगे, सुन लेना. He will give you a flat in the same building, in the same complex. Okay. Now? Yeah. Same building. Okay. Vishnu Gopal ji, unmute kar lijiye. विष्णु गोपाल जी, विष्णु गोपाल जी अनम्यूट कर लीजिए. एक मिनट सर. करुणा कीर्ति जी अनम्यूट कर लीजिए. करुणा कीर्ति जी अनम्यूट करिए अपने आप को. मोबाइल पे आपके अनम्यूट का बटन होगा, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. हाँ जी पूछिए मैम, बोलिए बोलिए प्लीज. कहाँ कुछ आ रहा है? हाँ जी बोलिए बोलिए मैम, बोलिए 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 प्लीज बोलिए. करुणा जी बोलिए, ऑडियो भी आ रहा है वीडियो भी आ रहा है. जी जी, एक्चुअली मेरे करियर में प्रोग्रेस रुका हुआ है. बहुत साल से मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही हूँ पर प्रोग्रेस काफी रुका हुआ है करियर में. प्रोस्पेरिटी नहीं है करियर में. मैं हमेशा ही कोशिश करती रहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है कुछ भी. एक मिनट जी, एक सेकंड. जो जो काम आपका अभी तक रुका है वो काम 6 महीने के बाद शुरू होना शुरू होगा ठीक से. ओके जी. एंड डिप्रेस मत होइए, काम आगे बढ़ेगा बढ़ेगा. कुछ करना चाहिए क्या इस चीज के लिए? मतलब कुछ सेवा करनी चाहिए मुझे? हाँ, जाके कुत्तों को दूध पिला दीजिए रोज. जी ठीक है जी. थैंक यू, थैंक यू. किसी का कोई क्वेश्चन? चेतराम जी अनम्यूट कर लीजिए. चेतराम जी, हमको क्यों नहीं दिख रहा? हमको भी नहीं दिख रहा. चेतराम जी अनम्यूट करिए सर अपने आप को. अनम्यूट करिए, अनम्यूट का बटन दबाइए. मोबाइल पे अनम्यूट करिए अपने आप को. कर दिया सर जी. पूछिए सर. ओम साईं राम जी.
सर मेरा एक क्वेश्चन था मेरे मकान के बारे में, मेरा वो अधूरा काम है तो मेरा टारगेट है दीपावली तक हो जाएगा सर कंप्लीट वो। औषम जी हेलो। हाँ जी सर। हाँ बताइए चित्रा जी एक बार और बताइए। साइन सर मेरा मकान के बारे में पूछना था, मेरा अधूरा काम है अभी, मेरा टारगेट है दीपावली तक हो पाएगा पूरा सर वो। जो मकान का कंप्लीट होना है क्या? हाँ जी आधा काम हो गया अभी, स्लैब डालने को है अभी, मेरा दीपावली तक टारगेट है सर हो पाएगा। नहीं बेटा पूरा नहीं होगा तब तक। जी सर थोड़ा बहुत रह जाएगा। हाँ जी हेलो। हाँ जी ओम सलाम। हाँ हमें जो नजर आ रहा है वही नजर आ रहा है कि थोड़ा बहुत रह जाएगा और टाइम लगेगा थोड़ा, अभी कंप्लीट कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी बट ठीक हो जाएगा। ओके सर थैंक यू ओम साई राम। अगर आप में से और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं या रेज अ हैंड पे क्लिक कर दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अगर है तो आप हमारे को फोन कर सकते हैं। सर मैं एक बार ही ना कॉल अनाउंस कर रहा हूँ जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर आपको भी किसी से बात करनी हो मैं एक मिनट कॉल अनाउंस कर रहा हूँ। योगिता नेवलकर जी, आशा रानी जी, आशुतोष कुंतिया, आशा सैनी जी कुछ बात करनी है आपने? हाँ सर मुझे बात करनी है। मैं सर एक बार हाँ जी बोलिए बोलिए जी प्लीज। ओम साई राम सर। साई राम साई राम। आशा जी कैसे है? योगिता सर। योगिता बताइए। सर ठीक है। एक्चुअली मुझे पूछना था कि मतलब मैं ये करती हूँ सपने में, मतलब साई बाबा को देखना चाहती हूँ बट वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे, पर ऐसा फीलिंग होता है कि वो मेरे साथ है। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो वो सॉल्व हो जाती है बट मैं मतलब उनके दर्शन करना चाहती हूँ और उनको कुछ पूछ रही हूँ कि वो मुझे बताए कर सपने में, तो वो रिप्लाई नहीं आ रहा था। रिप्लाई नहीं आ रहा? मतलब सपने में वो आई दर्शन ही नहीं देते, ऐसे पूजा करती हूँ तो उसमें बात करते हैं बट मुझे सपने में आकर, मतलब मैंने उनको कहा कि मुझे सपने में आकर आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ तो वो नहीं हो रहा है। आएंगे बेटा आएंगे, जब कोई काम और जो इच्छा शिद्दत से की जाए तो काम जरूर बनता है। और मुझे पूछना था कि एक्चुअली मैं जो इच्छा लेकर फास्ट कर रही हूँ बाबा, मतलब अभी शुरू है तो वो इच्छा मेरी पूरी होगी? थोड़ा 40-60%। हाँ मुझे मतलब पता नहीं, मतलब बाबा ऐसे बोलते श्रद्धा सबुरी बट वो इच्छाएं जो है ना उसमें खाली लेने का है, देने का कुछ नहीं है। देने का आपने ये नहीं मांगा बाबा से कि बाबा मेरा ये काम कर दो और मैं ये काम करूंगी परमात्मा का, आपने ये नहीं बोला? हाँ मैंने कहा, मतलब जो मेरी अभी जो फास्ट वाली इच्छा है उसमें मैंने मांगा, ये मांगा कि मेरा ये काम कर दो बट कंटिन्यूसली मैं उनको जो मन्नत मांग रही हूँ तो उसमें मैं बोल भी रही हूँ कि मैं ये करूंगी और मुझसे ये करवाना, ये अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप मतलब आप मेरे हाथ से ये काम करवाना और ये होना चाहिए और ये करूंगी मैं, ऐसे तो मैंने उनको कहा है।
मतलब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये होना चाहिए कर कर, तो मैंने कहा कि नहीं मैं कितना भी अगर नहीं भी करूंगी तो ये काम मेरे से करवाना क्योंकि मुझे ये करना है। बेटा अपनी जो इच्छा और सेवा भाव, जिस दिन सेवा भाव को अपने से ऊपर रखोगे उस दिन काम होना शुरू हो जाएगा। मतलब कैसे करना होगा? फिर कुछ नहीं, सेवा भाव को रखना पड़ेगा सामने। आज से सेवा करना शुरू कर दीजिए। कैसी सेवा करूं? वैसे तो मैं पूजा करती हूँ, मैं खुद खाना खाती हूँ, तो मतलब वो बोलते हैं जैसे कि मुझे पहले स्मरण कर कर खाना खाओ। स्वयं वैसे उन्होंने कभी नहीं, ये हमारा माइंड थॉट है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे पहले खाना खिलाओ। नहीं नहीं नहीं, मतलब स्मरण कर कर आप ये करोगे तो वो मुझ पर तक आ जाते वैसे। मतलब सेवा अभी किस तरीके से सेवा करूँ वो बताइए, मतलब कैसे करूँ सेवा, क्योंकि अभी मुझे भी मैं पूरी ब्लैंक हो गई, मुझे नहीं समझ रहा। मैं दूसरों को बताती हूँ तुम ऐसे करो बाबा का नाम करो तो तुम्हारे काम हो जाएंगे, और उनके डेफिनेटली काम हो गए। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैंने बताया था कि तू सचरित्र पढ़, देख सचरित्र के पारायण 53 खत्म होने के पहले पहले ही तेरा काम हो जाएगा। मतलब उसका प्रेगनेंसी इश्यू था तो उसका हो गया, उसको गुड न्यूज मिल गई। बट मैं कैसे करूँ कर कर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, ऐसा मैं कैसी सेवा करूँ बाबा की। आपके पास वहाँ बकरी है? अकेली? हाँ मैं अभी अकेली हूँ यहाँ पर। अकेली नहीं, बकरी 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 नहीं, एक्चुअली मैं रूम कर कर रहती हूँ, यहाँ पे नहीं है आसपास। आसपास बकरी नहीं है। गाय है? गाय हाँ, मतलब जहाँ से मैं दूध लेकर आती हूँ उनकी तरफ गाय रहती है, गाय है। रोज गाय को रोटी दे दो। ओके, सुबह अपनी शुरुआत ऐसे ही करो, रोज गाय को रोटी दो। अच्छा, ये मतलब सुबह शाम कभी भी? कभी भी, रोज उनको, रोज विदाउट फेल। हाँ। अपने आप चीजें आपकी ट्रैक पे आने लग जाएंगी। हाँ, मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली, उसमें कुछ 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 समय ब्रेक हुआ था, ठीक है ना। ये कब तक करना है? हेलो हेलो, सुन रहे हैं हम? तो कह रहे हैं गाय को हरा चारा दे दीजिए रोज। हाँ तो ये कब तक करना है, ये कंटिन्यूसली मतलब? बिल्कुल कंटिन्यूस करते रहिए। ओके, तो फिर मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी ना? बस वही तो बोल रहे, मतलब तुम्हारी जो प्रार्थना में ना योगिता, तुम्हारी प्रार्थना में सेल्फिशनेस पहले है। ठीक है ना, करती हूँ मैं ये। ये कोई ट्यूबलाइट नहीं है, ये कोई ट्यूबलाइट नहीं है, बटन दबाया ट्यूबलाइट ऑन हो गई। करेक्ट, अगर मांगने से सब कुछ मिल जाए तो फिर वो तो राह दिखा रहा है ना, कि इस राह पे चलो पहले। आप अपने आप सबके सामने आप बिल्कुल बेर हो गए, आपने दिखा दिया कि अंदर से सेल्फिशनेस है आपकी। कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है, बिकॉज जब आप ज्ञान सीखने आओगे तभी तो आप अपने आप को रियलाइज करोगे कि मैंने गलतियां क्या कर रही हैं। तो बिल्कुल आई अप्रिशिएट कि यू आर एब्सोल्युटली ओपन। बट अभी जो आपने बात करी, आपको वही हम जो बोल रहे थे कि सेल्फिशनेस हटा दो। तो इससे मेरा ठीक है चलिए, साई राम। जितेंद्र जी? जी हाँ जी, जी सर, एक जपनीत कुछ पूछना चाहते थे सर, एक मिनट साथ में। जपनीत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, एक सेकंड सर। कुछ जपनीत जी सर, कुछ अभी मेरे को चैट बॉक्स में लिखा है, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है उनके यहाँ पे। My mother is not in India and the girl I want to marry is asking me that my dad should speak to her parents. My mom will be back to India after 2 months. I want everything should be finalized in her presence. Girl's parents are in a hurry. Kindly advise, sir, recommend me for that girl last time when I spoke to him. Sir, आपने last time कोई girl के लिए recommend किया था, उनके parents जल्दी में हैं और
जपनी जी की माता जी फॉरेन में है, आई थिंक इंडिया में नहीं है, 2 महीने बाद आएंगी, वो जल्दी में है, तो जपनी फाइनल अपनी मम्मी के साथ ही करना चाहते हैं ये रिश्ता। तो सर इसके लिए पूछा है, इंटरनेट कनेक्शन को स्लो चल रहा है जपनी जी के यहाँ। यू कैन आंसर सर, ये जपनी जी ने चैट बॉक्स में लिख के भेजा है सर। अपनी आप क्या करिए, अपनी मदर को बोलिए कि वहीं से फोन करें, जहां पर भी हैं वहीं से फोन करें उनको, एंड आप भी बात करिए उनके उनके फादर से, एंड आप और मदर जब फोन पे ही बात करेंगे देन आई थिंक ये रिश्ता हो सकता है, हो जाएगा एक्चुअली। आई सी 80% of it going through, unless कहीं major goof up ना हो जाए, and I you should tell your mother to pick up the phone and talk to them, because अभी COVID में नहीं आ सकती हैं, तो जो time लगेगा उनको आने में, so but आप एक conversation शुरू कर दीजिए, communication शुरू कर दीजिए, okay? चलिए, ठीक है। सर क्वेश्चंस तो हो गए हमारे सारे अप्रोक्स सर। नाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस वेबिनार टुडे ऑन अ नोट दैट डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग टिल द टाइम योर इंस्टिंक्ट टेल्स यू एंड योर गट फीलिंग टेल्स यू दैट यू आर राइट, दैट व्हाट हैज बीन गिवन टू यू और व्हाट ज्ञान इज बीन गिवन टू यू इज करेक्ट। फैलेसी में मत फंसिए, जब आप कन्विंस्ड हो जाएं कि ये सही राह है और आपकी आत्मा सही बोल रही है, उसके बाद अपना विचार मत बदलिए। हर टाइम फेथ करके ट्रस्ट करना ही पड़ता है, बट जब ट्रस्ट आप अपने मास्टर पे करें या जिस पे भी करें, उस पे फेथ हटाइए मत। बहुत इंस्टेंसेस आते हैं जहां पर फेथ हटना पड़ता है, बट आप हटाइए मत, बिकॉज वही फेथ आपको फिर क्राइसिस में से निकाल के देगा। तो आज के लिए इतना ही, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक, देयर विल बी वेबिनार्स कंटिन्यूइंग नाउ, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक, एंड टिल द टाइम ओम साई राम। थैंक यू ओशम जी फॉर डिवोटिंग प्रीशियस टाइम सर। संस्था के सारे नंबर चैट बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप फर्दर बात कर सकते हैं। आप वेबसाइट के बारे में भी सर 1 मिनट दे दीजिए सबको। तो हाँ जी, जो जो लोग संस्थान से जुड़े हैं, दे कैन विजिट द वेबसाइट एट www.ssbf.co.in। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू ओशम जी, एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। आप भी थैंक यू सर। थैंक यू। हम लोग 2-5 मिनट में सर वेबिनार एंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू मुक्ता दास जी, रंजन पटेल जी, परेश कुमार, ताहिरा जी, जपनीत जी, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग ऑल। वीना शर्मा जी, चेतराम, बबीता देवी जी, आशा सैनी जी, थैंक यू। जपनीत जी मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ सारे डिटेल्स।
थैंक यू ऑल. इन 5 मिनट्स मीटिंग विल बी डिस्कनेक्टेड. आप संस्था के नंबर चैट बॉक्स से नोट कर लीजिए. आप अगर आप कोई भी बात करना चाहें ऑशिम सर से डायरेक्टली फर्दरली तो आप बात कर सकते हैं. अगले वेबिनार की डिटेल्स हम शॉर्टली शेयर कर देंगे. मीटिंग 2 मिनट में जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी. आप नंबर्स चैट बॉक्स से नोट कर लीजिए प्लीज.